जय हिंद एवरीवन। आज हम हिंदी बुक से चैप्टर 10 रीड करेंगे। चैप्टर का नेम है जंगल का अखबार। इसमें कविता दी हुई है, इसमें बहुत सारे जानवर दिए हैं। इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि हर जानवर जैसे जंगल का राजा शेर, लोमड़ी, खरगोश सभी अपने अपने क्षेत्र की न्यूज लेकर आते हैं। इस चैप्टर को रीड करते हैं। इसमें कुछ शब्द दिए हैं, कठिन शब्द और प्रश्न उत्तर को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। जैसे घोटाला, घोटाला का अर्थ होता है हेरा फेरी। फिर है चक्कर पर, इसका अर्थ होता है धोखा देना, भारी बड़ी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं कविता जंगल का अखबार। बच्चों चैप्टर 10 जंगल का अखबार। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसी तरफ यहाँ पर इस अखबार में जंगल की जानकारी दी है। यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में दिया है, सबसे पहले यहाँ हार्ड वर्ड्स भी हैं, अखबार, गवाही, परछाई, चक्कर, चीटी, उपदेश, इंतजार। अब इसके बाद यहाँ पर दिया है कविता, जंगल का अखबार है आया, कैसी चटपट खबरें लाया, लालची कुत्ते ने रोटी गवाई, समझा असली जो थी परछाई। तो इसमें बताया है बच्चों कि एक जंगल से अखबार आया है और नई नई चटपटी खबरें लेकर आया है, इंटरेस्टिंग न्यूज़। इसमें कुत्ते के बारे में बताया है, जो आपने कहानी पहले भी पढ़ चुके हैं कि कुत्ता क्या रहता है, लालची। जब वह पानी में अपनी परछाई देखता है तो उसे लगता है कि शायद दूसरा कुत्ता वहाँ पर उसे भौंक रहा है, और उसके मुंह में क्या रहती है, रोटी। इस कारण वो अपनी रोटी लालच के कारण खो देता है। गवाई मीन्स क्या होता है, खो देना। इसके बाद अगली कविता दी है, कहाँ लोमड़ी कर गई घोटाला, कौवे को चक्कर में डाला। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है, यहाँ पर नीचे लोमड़ी बैठी हुई है और ऊपर कौवे के मुंह में रोटी है। तो इसमें आपने पढ़ा था लोमड़ी कौवे को बुद्धू बना देती है कि आपकी आवाज़ बहुत ही सुरीली है, उसे चक्कर में डाल देती है और कौवे के मुंह से रोटी गिर जाती है और उसे छीन कर लोमड़ी भाग जाती है। इसी तरह आगे दिया है, कैसे राजा बना सियार, भेद खुला तो खूब पड़ी मार। इसमें बताया है सियार क्या करता है, मुखौटा लगा लेता है और जंगल का राजा बन जाता है। जब उसका भेद खुलता है, उसके बारे में सच्चाई पता चलती है, तो उसे खूब मार पड़ती है। इसके बाद दिया है, फंसा था शेर बुरा था हाल, चूहे ने दौड़कर काटा जाल, शिकारी को चींटी ने काटा, कबूतर का झट संकट छाटा, बंदर को बयाने उपदेश सुनाया, बारिश में अपना घर गवाया। तो बच्चों इसमें बताया है कि जब शेर जाल में फंस जाता है तो उसे कौन बचाता है, चूहा। चूहा जाल गाट कर उसकी मदद करता है, और एक बार शिकारी कबूतर को पकड़ने आता है तो चींटी क्या करती है, शिकारी को काट देती है और कबूतर को बचा लेती है। और अगली लाइन में बताया है कि बंदर जो कि अपना घर नहीं बनाता तो उसको बया नाम की चिड़िया क्या करती है, उपदेश देती है कि आप पानी में अपना घर क्यों नहीं बना रहे, भीग क्यों रहे हो। तो इससे क्या होता है, बंदर को गुस्सा आ जाता है और वो बया का घर लोच देता है, मतलब मिटा देता है। शेर का गुस्सा काम ना आया, खरगोश ने उसे कुएं में पहुंचाया, यह था आज का अखबार, कल तक अब करो इंतजार। तो उसमें बताया है कि जंगल का राजा शेर बहुत ही गुस्सा करता था, सभी जानवर को परेशान करता था, तो खरगोश क्या करता है, उसे अपनी चालाकी से कुएं में पहुंचा देता है। और ये आज का अखबार था, इसमें सभी जानवरों के बारे में जानकारी दी थी। अब अगली जानकारी के लिए हमें कल तक इंतजार करना होगा, इंतजार मीन्स प्रतीक्षा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए हैं, जैसे घोटाला, घोटाला मीन्स क्या होता है, हेरा फेरी करना इधर का उधर, चक्कर में डालना मतलब क्या होता है, धोखा देना, भारी मीन्स क्या होता है, बड़ी हैवी, संकट का अर्थ आप सभी को पता है मुसीबत या कष्ट। इसमें दिया है संकट छाटना, संकट का अर्थ होता है मुसीबत या कष्ट, छाटना मीन्स क्या होता है, दूर करना, रिमूव करना,
ओके बच्चों, आपको ये चैप्टर समझ में आ गया? स्टूडेंट्स, इस वीडियो से आपको कविता समझ में आ गई होगी, तो आपको ये कविता लर्न करनी है और उसके साथ क्वेश्चन आंसर